नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल खुशहाल होम गार्डनिंग में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम अपने किचन का वेस्ट यूज़ करके अपने प्लांट के लिए एक बहुत ही पोषण से भरा हुआ पौष्टिक खाद बना सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, हमारे जो किचन में वेस्ट जो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है वो लोग इसको फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये थोड़ी सी अगर आप इसको सही तरीके से आपके पास जानकारी हो तो आप इस किचन की वेस्ट को यानी जो आपके रसोई से निकलने वाला कूड़ा कचरा है इसको बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप एक खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्दी होगा और आपको बाहर से खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप अपने पैसे बचा पाएंगे। सबसे पहले हमें जो करना है वो हमारे किचन का जितना भी कचरा होता है, जो हमारे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, अंडे के छिलके, हमें इन सबको इकट्ठा करना है। और इसको जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरीके से इसको एक खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो करना है, आपको ये जो भी आपने छिलके इकट्ठे कर रखे हैं इसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर लेना है। ये जितना बड़ा होगा, इसके छिलके जितने बड़े होंगे आपके प्लांट का जो आपने वेस्ट इकट्ठा कर रखा है उतना ही ज़्यादा इसको टाइम लगता है डिकम्पोज होने में। तो आपको कोशिश करना है जितना ज़्यादा आप छोटा कर सकें इसको उतना अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी आपकी खाद तैयार हो पाएगी और उतना ही अच्छे से वो पोषण जो है वो आपके प्लांट्स को मिल पाएगा। आपको एक कंटेनर लेना है, आप चाहे तो गमले का भी यूज़ कर सकते हैं, घड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई पुरानी बाल्टी हो, किसी तरीके का डब्बा हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो कंटेनर आपको लेना है, उसमें अच्छे से आपको ड्रेनेज होल बना देना है। 5 से 6 आपके उसमें ड्रेनेज होल होने चाहिए ताकि इस ड्रेनेज होल से इसमें से एयर जो है वो ईजिली निकल पाए और इसमें गैस ना बने और इसको जो है डीकम्पोज होने में हेल्प मिल सके। तो इस तरीके से हमने एक डब्बा ले लिया है, उसमें हमने ये सारे आप चाहें तो इसमें नीचे की तरफ कुछ आप कार्डबोर्ड की कटिंग्स या आप सूखी पत्तियों का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कार्डबोर्ड सूखी पत्तियाँ वो डाल लीजिए। उसके ऊपर से आप थोड़ा सा इसमें खाद डाल लीजिए जो आपके पास जो भी खाद अवेलेबल हो। ये खाद आप डालेंगे तो इस खाद से आपका जो जो आप जो भी किचन वेस्ट डाल रहे हैं उसको डीकम्पोज होने में हेल्प मिल जाता है और वो जल्दी से डीकम्पोज हो पाएगा। सो इस तरीके से आपको नीचे की तरफ एक लेयर आपको सूखी हुई पत्तियों का या गत्ते की कटिंग का आपको बना लेना है, उसके ऊपर से थोड़ा सा खाद, उसके ऊपर से जो आपने ये जो आपके जो किचन के वेस्ट की कटिंग्स हैं इसको डाल दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा खाद और इसको आपको अच्छे से ढक के रख देना है। और ढकना है आपको इस तरीके से कि उसमें से गैस जो है वो निकल सके, इस टाइट बंद ना करें, थोड़ा सा ढीला ही रहने दें जिसमें से गैस इजीली निकल सके। ये जल्दी डीकम्पोज हो जाए इसके लिए आपको एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ है फ्रेंड्स गुड़, जिसको हम लोग जानते हैं गुड़। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारे खाद को डीकम्पोज होने में। तो एक आप 1 लीटर पानी में अच्छे से गुड़ को डिसॉल्व कर लीजिए और उस डिसॉल्व में आप चाहें तो थोड़ी सी दही भी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों जो हैं ये बहुत ही फास्ट डीकम्पोज कर देते हैं हमारे किचन वेस्ट को। सो इस तरीके से आप इसको आप अपने जो आप किचन वेस्ट से आप खाद बना रहे हैं उसमें आप डाल देंगे तो आपका जो खाद है वो बहुत फास्ट बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, हो सकता है ये विद इन अ मंथ भी बन जाए। तो आपको ज़्यादा नहीं 50 ग्राम के करीब आपको ये गुड़ लेना है और 50 ग्राम के करीब ही आपको दही लेना है और इसको आपको अपने पूरे उसमें डाल देना है और अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि हर 2-3 दिन में आपने जो ये तैयार करा है खाद डब्बे में जो आप खाद बना रहे हैं इसको अच्छे से मिक्स भी करते रहें, वो जितना आप उसको मिक्स करेंगे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है उसको खाद में कन्वर्ट होने में। तो बीच बीच में आपको इसका ढक्कन हटा करके आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 2 चीज़ का, एक तो आप गुड़ और दही ज़रूर डालें, दूसरा आप जो करें वो आप इसको टाइम टू टाइम मिक्स करते रहें। अब आपको बताती हूँ दोस्तों कि हमें क्या चीज़ नहीं यूज़ करना है हमारे खाद के लिए। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आप किसी तरीके का ताज़ा मांस इसमें ना डालें, किसी भी तरीके का मीट है उसको आप यूज़ ना करें, या आप इसमें दूध वगैरह यूज़ ना करें, वो दूध से भी आपके इसमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप दूध का पहले ही इस्तेमाल करेंगे तो। उसमें कई बार आपने देखा होगा जो दूध, दही, पनीर ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी, सो ये हमें दही डालना है लेकिन हमें जब हमारा खाद हम पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे तो गुड़ के साथ मिला के डालना है। लेकिन अगर आप अपना कचरा इकट्ठा कर रहे हैं किचन का, अगर उसमें आप दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ें डालेंगे तो आपका जो
जो भी आपका कचरा है उसमें पहले ही कीड़े लगने लग जाएंगे, तो वो फिर आपका अच्छे से नहीं बन पाता है, वो खाद नहीं बन पाता है। और दूसरा आपको जो करना है, आपको किसी भी तरीके का आपका जो ऑयली प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें नहीं डालने हैं, या कोई वेस्ट तेल है वो नहीं डालना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी टिश्यू पेपर या कोई पेपर ना डालें जिसमें कि तेल हो। जैसे हम लोग लंच वगैरह पैक करते हैं तो कई बार टिश्यू पेपर में रैप कर देते हैं, पेपर में रैप कर देते हैं, तो उसमें जो रोटी का या पराठे का जो तेल होता है, घी होता है, वो लग जाता है। तो हमें उस पेपर का यूज़ नहीं करना है। और टहनियाँ और शाखाएँ हमें नहीं लेनी हैं, पत्तियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेम्स का यूज़ नहीं करना है, स्टेम्स और ब्रांचेस का यूज़ नहीं करना है। फिशेस वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों को आपको यूज़ नहीं करना है। इन चीज़ों अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप घर में बना रहे हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मेल होगी। ये जो किचन का वेस्ट होता है, इसके बताती हूँ आपको इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। किचन का वेस्ट जो है वो मिट्टी में, जितने भी आपको मिट्टी आपने लगा रखी है, अपने पौधे लगाए हुए हैं मिट्टी में, तो अगर आप उसमें देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है, और आपके प्लांट्स में किसी तरीके का कोई डिजीज़ होता है तो वो भी आपका ख़त्म होता है। तो ये किचन की वेस्ट की जो खाद है, ये अब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैजिकल होता है। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि किचन का वेस्ट तो सबके घर में होता है, तो उसका इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट्स के लिए एक बहुत ही पोषण से भरा हुआ एक पौष्टिक खाद बना लीजिए। बहुत ही फ़ायदा करेगा और बहुत ही कम समय में लग जाता है, ये आपका विद इन अ मंथ बन जाता है, और इसमें आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। आपको बस अपना जो किचन का वेस्ट है उसको इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करके जो आपको मैंने प्रोसेस बताया है उस हिसाब से अगर आप इसको करेंगे तो आपके प्लांट्स के लिए घर में ही खाद तैयार हो जाएगा, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ मनी और विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ योर टाइम। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इजी वे है बनाने का। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई फीडबैक क्वायरी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।